और चलेगा हेलीकॉप्टर, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। सर नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी आज आप किन किन गांवों का दौरा कर रहे हैं, कितना सहयोग मिल रहा है? आज मेरा दौरा शुरू हुआ था मोलडा, खैरानी, भोजावास, गोमला, गोमली, पड़तल, भोजावास, मोड़ी और रामबास, ढाणा, इसराना और भड़फ, कपूरी, ककराला। जी काफी गांव किए हैं आज आपने। हाँ, इन सब गांव में कुछ कर लिए हैं, कुछ कर रहा हूँ और शाम को कनीना में भी है। सहयोग की बात करूँ, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है लोगों से? बहुत अपार, बहुत ही लोगों में जोश है जी। और पूरी ताकत के साथ लोगों ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया है, क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझसे प्रोमिस करके पार्टी में शामिल किया था जी। और मुझे भरोसा दिलाया था कि जो राजीव जी के पुराने आदमी हैं, मैं उनको साथ लेकर के जी। और हमने इतने साल बाद, पहले हम निर्दलीय विधायक रह चुके जी। और इतने बड़े लेवल की नेता को जब ये नहीं पता कि तुमने क्या प्रोमिस किया और किस व्यक्ति का तुम टिकट काट रहे हो जी। जनता इस बार टिकट के रूप में भी जीत मान चुकी थी जी। और जब उन्होंने महसूस किया कि हमारा अपमान किया है इलाके की जनता का जी। तो जनता ने पंचायतें कर करके गांव में जी। मुझे अपनी टिकट जनता ने दे दी है और निश्चित रूप से जनता की टिकट से मैं जीतूंगा जी। कितनी सुनिश्चित मान रहे हैं अपनी जीत? 100% जी। और किसी से टक्कर किससे रहेगी? बिल्कुल ही टक्कर नहीं है। पहले जो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी रही हैं, विधायक रही हैं यहाँ पर, अनीता यादव, वो भी अब पार्टी को अलविदा कह चुकी हैं, उनके भी टिकट कट चुकी है और वो अपने बेटे को समर्थन करती हुई नजर आ रही है। अनीता जी है ही नहीं, अनीता तो टक्कर किससे मान? अनीता तो सीनियर थी जी, वो है नहीं जी, तो उस ग्रुप को तो बोल दीजिए जी। अब कांग्रेस और जो बीजेपी है जी, कांग्रेस का प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी है और जिसकी छवि बड़ी धूमिल छवि है, जो जिसकी कैसेटें रिलीज हो रही है गांव में, बच्चों को धमकाना, रैलियों के लिए धमकाना, बदतमीजी करना, पत्रकारों करना जी। और उनकी इमेज के जो पर्चे हैं वो रामपुर हाउस थाने में दर्ज है, कुचटेली में दर्ज है, तो दागी प्रत्याशी है जी। और उसको तो कभी भी यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बीजेपी प्रत्याशी के बारे में? बीजेपी प्रत्याशी की तो पहचान ही नहीं है जी। जो बीजेपी प्रत्याशी है उसकी कोई पहचान नहीं है जी। वो एक गांव का सरपंच बना था जिस समय मैं MLA था जी, और न राजनीति में ना किसी सामाजिक कार्यों में जी। तो जिस जो सामाजिक कार्यों में नहीं है, पब्लिक में नहीं है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करता रहा है जी। और लोगों में उनकी भी छवि बहुत धूमिल है जी। दोनों उम्मीदवार जी बहुत ही धूमिल छवि के हैं जी, और जिनकी पहचान नहीं है जी। इसलिए मेरा ये 7वां चुनाव है जी। 6 चुनाव में से 5 चुनाव हारने के बावजूद भी जी मैंने चरित्र की राजनीति की, लोगों के बीच में रहा जी। इसी हलके में मेरा गांव है, यहीं मेरी ससुराल है, यहीं मेरे पिताजी ने 30-40 साल तक लोगों को पढ़ाया है जी। तो लोगों का पूरा मन मेरे साथ है इस चुनाव में, मेरा साथ देने का जी। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं अन्य पार्टियों से, मुख्य पार्टियों की बात करूँगा, सब नए हैं, कोई पहला चुनाव लड़ रहा है या कोई पार्टी बदल के किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, आपने अभी तक 7 चुनाव, ही आपका 7वां चुनाव बता रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काम आएगा, और जनता से क्या अपील करेंगे? देखो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट की ताकत दी है जी। राजा बनाने की ताकत बाबा साहब ने जनता को दी है जी, और वो उन्होंने इसलिए दी थी कि आप ऐसे व्यक्ति को चुन सके जो आपके बीच में रहता हो, जिससे आपकी पहचान हो, जिसके दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हों, जिसको जनता में बदबू नहीं आती हो जी। हम तो जनता के बीच में रहते हैं, दुख में, सुख में, और गांव में रहता हूँ। कोई MLA रह करके कितने आदमी होंगे प्रदेश में जो गांव में अपने रहते होंगे, गाँव के लोगों के बीच में रहता हूँ, और मेरे पास हजारों कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम है।
कांग्रेस से बड़ी टीम पहले भी मेरे पास थी, इन सारे राजनीतिक दलों को मिला लें और मेरी अकेले की जो टीम है वो इनसे बहुत बड़ी टीम है। इसलिए कार्यकर्ता मेरे मजबूत हैं, कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनमें गुस्सा है और वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी स्तर पर भी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी हरियाणा की विधानसभा में। हेलीकॉप्टर का हमारा निशान है जी। पहले हम पतंग के निशान से जीते थे जी। पतंग ऊंचाई पे था, उड़ता है पतंग भी हवा में उड़ता था और हेलीकॉप्टर उससे भी ऊंचा उड़ेगा जी। तो इस अटेली हलकों को ऊंचाई पर मैंने ले जाना है, ये लोगों को पूरा भरोसा है। पतंग की तरह पे ही हेलीकॉप्टर का बटन दबाएंगे लोग और चलेगा हेलीकॉप्टर, उड़ेगी धूल जी। ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल जी। काफी अच्छा नारा दिया। और ये भी आपने देखा, निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस के यहाँ से लीडर थे, काफी इनका नाम लिया जा रहा था कि ये यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने जब टिकट काटी तो अब बता रहे हैं कि इनके पास जो टीम है बहुत बेहतरीन है, बहुत बड़ी, सभी पार्टियों से बहुत बड़ी टीम है और ये उसकी बदौलत, लोगों के प्यार की बदौलत अटली विधानसभा से निर्दलीय के रूप में चुने जाएंगे। धन्यवाद।